नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों आज हम लोग स्पेशल डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ही आता है और लगाने में अगर जाएंगे तो प्रोसीड करेंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है, अगर प्रोसीड करेंगे तो। और लेकिन अगर जब मैं करूँगा क्वेश्चन को तो आप उसको डायरेक्टली आप अपने पेपर पर प्रोसीड करके आप इसको सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरा वेरीफाइड रूल है, ठीक है। जैसे कि अगर ये इफ वाई इज इक्वल टू 10x^10x^10x ऐसे करके इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो जिसका डी वाई बाई डी एक्स होता है वो होता है वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस लॉग वाई इंटू 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, ठीक है। दोस्तों देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ गया मात्र 2 सेकंड में। जैसे कि देख रहे हैं ना कि बस ऐसे ही एक रूल करना है आपको, जैसे कि अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू अगर कोई फंक्शन है fx है, fx^x है और fx^f है, ऐसे ऐसे अगर कोई फंक्शन दिया है तो इसका जो dy/dx होगा वो क्या होगा, पहले तो इसका स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर अपन वन माइनस लॉग वाई इंटू जो होता है f'x अपन fx होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली ये वेरीफाइड रूल है। इस वेरीफाइड रूल से आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू 10x^10x^10x ऐसे करके इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है, ठीक है, तो ये नंबर देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई स्क्वायर अपन वन माइनस लॉग वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपन 10x, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और अपन fx, तो f'x अपन fx हो गया, ठीक है। जैसे आपको एक इसका और होता है, इसका और एक डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर होता है, वाई लॉग fx इंटू f'x अपॉन fx, ठीक है, ये भी आंसर है आपका। तो जैसे dy by dx जो लिखे थे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई क्या है, y log fx क्या है 10x इंटू f'x का सिक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपन वन माइनस लॉग वाई इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स अपन साइन एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया डायरेक्टली। या तो इसका एक और आंसर हो जाएगा y स्क्वायर अपन वन माइनस वाई लॉग fx क्या है साइन एक्स है ना, fx क्या है, यही तो fx है, तो fx क्या है साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स अपन साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। देखिए मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे, तो जैसे एक क्वेश्चन है वाई इक्वल टू डी द पावर एक्स टू द पावर ई टू द पावर एक्स ऐसे करके क्वेश्चन है, जैसे ये फंक्शन हमारा ई टू द पावर एक्स ही है, ठीक है, एफ एक्स क्या आप लिखना चाहते हो तो एफ एक्स क्या होगा ई टू द पावर एक्स होगा और इसका एफ डैश एक्स भी क्या होगा ई टू द पावर एक्स ही होगा, तो जो हमारा जो डी वाई वाई डी एक्स है वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा कि वाई स्क्वायर वन माइनस लॉग वाई इंटू f'x अपन fx, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं जो dy by dx क्या होगा y स्क्वायर अपन वन माइनस log y इंटू f'x e टू दी पावर एक्स है, या fx क्या है e टू दी पावर एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर अपन वन माइनस log y आपका आंसर हो गया। या तो एक और आंसर होगा जो आपको बता चुके हैं y स्क्वायर अपन वन माइनस लॉग
लॉग एफ एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स इंटू वाई हो जाएगा, वाई इंटू ई टू द पावर एक्स अपन ई टू द पावर एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर अपन वन माइनस वाई लॉग ई टू द पावर एक्स, मतलब अब ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया आपका, ठीक है, दोनों आंसर है आपका। तो दोस्तों आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, जो आपको ये फार्मूला हम बताएं यहाँ से, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड